केस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, एक केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। दैट केस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे होते हैं जो कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ हमारे पास आते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, वो यूजुअली उनके पेरेंट्स किस किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं वो करते हैं। यहाँ पर हम एक केस डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ग्रेग। चाइल्ड का नाम जो है वो ग्रेग है और वो 8 साल का बच्चा है। अब उसको रेफर क्यों किया गया? बिकॉज एक्सेसिव फाइटिंग, हाइपर एक्टिविटी, टेम्पर टेंट्रम एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एट होम एंड एट स्कूल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उसके अंदर बच्चा जो है वो बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक एक्सप्रेस करेगा बोथ सेटिंग्स में, घर में भी और स्कूल में भी। ठीक है, अब घर के अंदर उसकी मदर जो है वो क्या कंप्लेन करती हैं कि वो अपने सिबलिंग्स के साथ फाइट करता है, अपने पेरेंट्स के पैसे या चीज़ें चुरा लेता है। ठीक है, और वो मुसलसल थ्रेट करता है कि वो फायर जो है वो सेट करेगा। ठीक है, यानी फायर घर के अंदर लगा सकता है जब भी उसको पेरेंट्स कोशिश करें कि वो इन बिहेवियर को एग्जिबिट ना करें। कि पेरेंट्स ये भी बता रहे हैं कि 3 डिफरेंट ओकेजन्स में उसने एक्चुअली फायर सेट भी की थी। ठीक है, फायर टू रॉक बेड स्प्रेड एंड ट्रैश इन हिज हाउस। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो थ्रेट तो करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके हिस्ट्री के अंदर ये एविडेंस भी है कि उसने 3 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर क्या की थी, फायर सेट की थी। और उससे हुआ क्या था, उसके पेरेंट्स का $several thousand का जो था वो डैमेज हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो और प्रॉब्लम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो लाए जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता है और उसके उस झूठ की वजह से या लाइंग की वजह से अदर पीपल गेट इनटू द प्रॉब्लम। इसके अलावा वो बहुत फ्रीक्वेंट फाइट्स करता है अपने पीयर्स के साथ, और अगर उसे कोई गलती हो जाए तो वो हमेशा उसको डिनाई करता है फॉर रॉन्ग डीड्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान करें तो बेसिकली उसकी मदर क्या बता रही है कि एक उसके अंदर फाइटिंग का इशू है, एक उसके अंदर स्टीलिंग का इशू है, एक उसके अंदर फायर सेटिंग का इशू है। ठीक है, इसके साथ साथ रॉन्ग डूइंग्स का उसके अंदर डिनाइल है। देन उसकी जो भी लाइंग होती है उसकी वजह से दूसरे लोगों को जो है वो ट्रबल फेस करना पड़ता है। अगर हम DSM-5 के क्राइटेरिया की बात करें जो कि कहता है कि 15 में से एटलीस्ट 3 सिम्टम्स जो हैं बच्चे के अंदर फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स जो हैं वो एग्जिबिट होनी चाहिए, तो वी कैन सी कि यहाँ 3 से ज़्यादा जो है बच्चे के अंदर सिम्टम्स जो हैं वो एग्जिबिट हो रही हैं और उससे डैमेज भी हो रहा है दूसरे लोगों को। ठीक है, अब जो ग्रेग है तो उसके पेरेंट्स उसको क्यों क्लिनिक लेकर आए? बिकॉज दे ट्राई टू मैनेज हिम, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर सके। और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स घर में हुए हैं जो कि दे फील के बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके अंदर जो पहला था वो क्या था कि जो ग्रेग है उसने अपने 2-year-old जो ब्रदर था उसको सफोकेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो जैसा हमने बात की थी कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली हर्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को, और इसी तरह वो वंडर करता था स्ट्रीट्स पे और उसकी वजह से उसने लोगों की विंडोज और जो पार्क कार थी उनकी जो विंडोज थी उनको तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, तो इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं दैट एक्सप्रेस के जो दूसरे लोगों को हार्म है वो उससे पहुंच रहा है। इसके साथ साथ आप अपने जहन में ये भी रखें कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 3 सिम्टम से ज़्यादा वो एक्सप्रेस कर रहा है सिम्टम, फिर हम ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से फिजिकल हार्म लोगों को पहुंच रहा है, तो जस्ट कीप इन योर हेड के जो सवेरिटी लेवल है वो माइल्ड बनेगा, मॉडरेट बनेगा या सवेर बनेगा। तो वी नीड टू बी चेक दिस थिंग टू। देन दे सेड कि जो ग्रेग के पेरेंट्स हैं वो अक्सर उसे पनिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई ख़ास जो है वो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके फादर जो हैं असल में वो पीरियडिकली वर्क कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, और जिसकी वजह से वो ज़्यादातर टाइम जो है वो घर में
गुजार रहे थे, उनकी जो इनकम थी वो भी लो थी, और वो बेसिकली ग्रेग की ये कंप्लेन थी कि उसके जो फादर हैं वो छोटी छोटी बातों के ऊपर ओवर रिएक्ट करते हैं। जो मदर थी वो फुल टाइम वर्क करती थी, बट उसके उनके अंदर हिस्ट्री थी डिप्रेशन की, और वो दो दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी थी फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। और वो हॉस्पिटलाइज भी रही अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स, ठीक है। तो जो ग्रेग बिहेवियर था वो विद टाइम जो है वो पुअर से पुअर होता रहा, और जो ग्रेग की इंटेलिजेंस लेवल है वो विद इन द नॉर्मल रेंज थी। डेफिनेटली अगर विद इन नॉर्मल रेंज ना होती तो वी नीड टू बी चेक कि आइदर इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एकेडमिकली यानी स्कूल जाता ज़रूर था लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिहाइंड हिज ग्रेड लेवल थी, जिसकी वजह से उसे स्पेशल क्लास में डाला गया। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो इस वजह से स्पेशल क्लास में नहीं था कि उसकी जो नॉर्मल एज के मुताबिक उसका IQ नहीं था, बल्कि वो स्पेशल क्लास में इसलिए था क्योंकि वो ओवर एक्टिव था और उसके डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो हो रहे थे, और उसके टीचर्स ने बेसिकली उसके पेरेंट्स को ये कहा था कि अगर उस बच्चे का बिहेवियर जो है वो ठीक ना हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर जो है वो स्कूल नहीं आ सकेगा। एंड दैट्स वाई उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको स्पेशल बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो है वो डालना चाह रहे थे, बिकॉज उनके पास और कोई वे आउट उस बच्चे को बिहेवियर को डिसिप्लिन करने का नहीं था। तो अगर हम इन सारे केस को अपने जहन में रखें तो वी कैन से कि जो ग्रेग का बिहेवियर है वो एजेड है, यानी प्रायर टू 10 ईयर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप है, उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो 3 से काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का हार्म भी पहुंचा रहा है। तो डेफिनेटली जो सवेरिटी लेवल है वो उस बच्चे के अंदर ज़्यादा है, और इसी तरह जो घर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके बिहेवियर को। तो दैट्स ऑल अबाउट द केस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो किस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होते हैं।